सो डिफेंस मिनिस्टर ने बोला है कि जो टैब्लू सिलेक्शन है वो फेयर था तो वेल स्टैब्लिश सिस्टम है टैब्लू सिलेक्शन के लिए डिफेंस मिनिस्टर ने सीएम से बोला है क्योंकि अभी तीन टैब्लू रिजेक्ट हुए हैं कहाँ से दो साउथ से केरला एंड तमिलनाडु एंड एक नॉर्थ से दैट इज़ वेस्ट बंगाल फिर रिपब्लिक डे परेड को मैनेज कौन करता है तो so, यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है पब्लिक डे परेड और सेलिब्रेशन के लिए कौन मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होती है डिफेंस मिनिस्ट्री तो पहले डिफेंस मिनिस्ट्री बेसिक गाइडलाइंस शेयर करती है कि कहाँ पर टैबल्यू होगा और क्या क्या आना चाहिए टैबलू में फिर ये बोलते हैं दो स्टेट्स और यूटीज के दो सिमिलर टैब्लू नहीं हो सकते उन्हें डाइवर्सिटी दिखानी है दो स्टेट्स के सेम टैब्लू नहीं हो सकते सिमिलर नहीं हो सकते तो उन्होंने बोला कि जो टैब्लू है उसमें कोई भी लोगोस का यूज़ नहीं होना चाहिए आप नेम यूज़ कर सकते हो स्टेट यूटी डिपार्टमेंट का और हिंदी हिंदी फ्रंट में होना चाहिए इंग्लिश और द बैक और रीजनल लैंग्वेज साइड्स में होनी चाहिए सो हिंदी फ्रंट में ठीक है इंग्लिश बैक में और रीजनल लैंग्वेज साइड से लिख सकते हैं और मिनिस्ट्री बोलती है कि आप पार्टिसिपेट इको फ्रेंडली मटेरियल यूज़ करो टैब्लू के लिए एंड प्लास्टिक एंड प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट को अवॉइड करो क्या तो आप अपने गवर्नमेंट का प्रमोशन नहीं कर सकते इसमें कोई लोग हो इस तरीके से अपनी पार्टी का नहीं लगा सकते और सिलेक्शन जो होता है टैबलू का से वरी इलाबरेट एंड टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस तो डिफेंस मिनिस्ट्री एक एक्सपर्ट कमेटी बनाती है और डिस्टिंगिश पर्सन जैसे आर्ट कल्चर पेंटिंग्स क्लपचर म्यूजिक आर्किटेक्चर एंड कोरियोग्राफी में तो सबसे पहले स्टेट्स अपने स्केचेस को सबमिट कर दिया सबमिशन ऑफ स्केचेस फिर वो क्या करती है कमिटी स्क्रूटिनाइज करती है फिर सजेस्ट करती है क्या मॉडिफिकेशन करो अपनी स्केच एंड डिज़ाइन में स्केच होना चाहिए कलरफुल होना चाहिए और ईजी समझना ईजी होना चाहिए अननेसेसरी डिटेल नहीं होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए और कोई एलबोशन की जगह ज़रूरत हो फिर म्यूजिक्स एंड विजुअल्स सो इट इज़ अ ट्रेडिशनल डांस अगर इन्वॉल्वड तो यहाँ पे फोक डांस होना चाहिए कॉस्ट्यूम होनी चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिशनल होनी चाहिए और ऑथेंटिक होनी चाहिए और यहाँ पे आप वीडियो क्लिपिंग डांस कैसा करोगे इसकी वीडियो क्लिपिंग भी डालनी है फिर थ्री डी मॉडल्स बनाए जाते हैं और तो डिफेंस मिनिस्ट्री हर पार्टिसिपेंट को एक ट्रैक्टर और एक वन ट्रेलर प्रोवाइड करती है जिसमें टैबल्यू फ़िट करना है एक ही ट्रैक्टर टैबल्यू में आ जाना चाहिए आपका जो भी टैबलू है और एक्स्ट्रा एक ट्रैक्टर नहीं मिलता है वन ट्रैक्टर एंड वन ट्रेलर मिलता है बस उसमें डायमेंशन होता है चौबीस फीट आठ इंच लॉन्ग एट फीट वाइड इस तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ पे टैबल्यूज़ 45 फ़ीट लॉन्ग से ज़्यादा नहीं होती है 40 फीट वाइड एंड 60 फ़ीट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड